स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब किया हो। वेल दोस्तों, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो गोपाल के पड़ोसी हैं वो गोपाल से पूछेंगे चमेली के बारे में। चमेली उनसे कहेगी कि मैं आपको बता तो चुकी हूँ पहले से ही कि गोपाल मेरा कस्टमर है और अब मुझे अपने पैसे चाहिए। गोपाल यहाँ पर इतने ज़्यादा नशे में होगा वो किसी के भी सवालों का जवाब दे ही नहीं पाता। वसुधा आती है गोपाल से कहती है, जीपीएस ये चमेली क्या कह रही है। गोपाल के जो पड़ोसी होते हैं वो चमेली को डांटते हैं और सोचते हैं कि अब हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। वसुधा कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग पुलिस को क्यों बुलाएंगे, चमेली झूठ बोल रही है। तभी वहाँ से एक पड़ोसी कॉल कर देते हैं पुलिस को और यहाँ पर चमेली वसुधा से कहती है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पति मेरे पास आता है, ये बात तुम्हें नहीं पता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष को केक खिला रही होती है और सानिया छुपकर इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि प्रिशा बहुत जल्द तुम रुद्राक्ष को केक नहीं बल्कि थप्पड़ देने वाली हो। प्रिशा यहाँ पर वसुधा का कॉल पिक करती है, उसे पता चलता है कि गोपाल को अरेस्ट किया गया है। मीनवाइल पुलिस गोपाल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष को ये बात बताती है कि अप्पा को किसी ने गलत इल्ज़ाम में फंसा करके अरेस्ट करवा दिया है। रुद्राक्ष सोचता है कि क्या पुलिस इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गई। तभी यहाँ पर प्रिशा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे पुलिस स्टेशन, और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जैसे ही वो दोनों जाने वाले होते हैं यहाँ पर सानी आ जाती है, उनको रोकती है और टॉन्टिंग शुरू कर देती है और प्रिशा से कहती है, तुम तो यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हो मेरे पति के साथ वगैरह वगैरह। सानी रुद्राक्ष से कहती है कि और तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो। प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि रुद्र हमें अब चलना चाहिए। सानिया उससे कहती है कि नहीं, रुद्राक्ष कहीं भी नहीं जाएगा। रुद्राक्ष उससे कहता है कि नहीं, गोपाल यानी कि जो प्रिशा के डैड हैं वो मुसीबत में हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं प्रिशा के साथ जा रहा हूँ। सानिया सोचती है कि मैं जानबूझकर रुद्राक्ष को प्रिशा के साथ भेज रही हूँ, लेकिन अब प्रिशा मेरा रास्ता काटने की हिम्मत कभी भी नहीं करेगी। इधर प्रिशा अपने ही माइंड में रुद्राक्ष को थैंक्स कहती है उसका साथ देने के लिए। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष भी सोचता है कि प्रिशा को मैं इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, और अब जो भी कुछ होगा उसमें मैं प्रिशा का साथ पूरी तरीके से दूंगा। सानिया यहाँ चमेली को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। चमेली कहती है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, आप चाहें तो ये ड्रामा देख सकती हैं आकर। यहाँ प्रिशा पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वसुधा से पूछती है कि अम्मा ये सब क्या हुआ। वसुधा उसे बताती है सब कुछ। रुद्राक्ष यहाँ गोपाल के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब क्या हो गया, आप जब बाद में आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। प्रिशा रुद्राक्ष की बात सुन लेती है और उससे कहती है कि क्या तुमने अप्पा को बाहर में बुलाया था। तभी प्रिशा रुद्र से कहती है, बताओ रुद्र सच क्या है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है जो तुम छुपा रहे हो। तभी वहाँ सानिया आती है और कहती है कि मैं बताती हूँ सच क्या है, रुद्राक्ष है जिसने गोपाल को बार में बुलाया था और उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर भी किया। रुद्राक्ष कहता है, जस्ट शट योर माउथ, और प्रिशा को वो सब कुछ बता देता है कि कैसे सानिया उसे ब्लैकमेल कर रही है और गोपाल के कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए उसे ब्लैकमेल किया गया था। प्रिशा पूछती है, लेकिन तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा और अप्पा को क्यों ब्लैकमेल करने के लिए कहेगा क्यों। यहाँ पर प्रिशा को रुद्राक्ष सब सच बताता है और कहता है कि दरअसल प्रिशा बात यह है, सारांश जिंदा है और आहाना के साथ है, आहाना और सानिया ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। तभी वो कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे प्यार के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सानिया से झूठी शादी का ड्रामा किया सिर्फ सारांश के लिए। प्रिशा कहती है कि मुझे पता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया लेकिन सिर्फ सारांश के लिए। प्रिशा यहाँ सानिया को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अब सारांश कहाँ है। सानिया रुद्राक्ष से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है प्रिशा को सब कुछ बता करके, और अब तुम्हें प्रिशा तो मिल जाएगी लेकिन सारांश अब तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा और अब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा। रुद्राक्ष तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अब तुमने प्रिशा को सच बताकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मीनवाइल सानिया अरमान को कॉल करेगी और उसे बताएगी गोपाल के अरेस्ट के बारे में। चमेली यहाँ पर प्रिशा से झूठ बोलेगी और यहाँ पर प्रिशा भी उसे भी थप्पड़ मारेगी झूठ बोलने के लिए। रुद्राक्ष चमेली से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गोपाल यानी कि अप्पा को फंसा रही है। अरमान वहाँ पर आता है और प्रिशा उसे सब कुछ बताती है।
अरमान कहता है चमेली से कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, गोपाल सर इस तरह के पर्सन हैं ही नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? चमेली कहती है कि हाँ मेरे पास सबूत है, आप चाहें तो पुलिस इंस्पेक्टर जाकर के उस होटल के रिसेप्शन से फुटेज ले लीजिए जिसमें गोपाल मेरे साथ गए थे। और जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर गोपाल आए थे, तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हाँ कहती है। यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।